नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेगुलेटर के बारे में। ये फ़ैन रेगुलेटर है, ये आपके फ़ैन के हवा को स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए यूज होता है। दोस्तों ये ठीक है या ख़राब है इसकी जांच कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। इसको चेक करने का आसान तरीका है, सबसे पहले हम ये सीरीज लैंप ले लेंगे। ये सीरीज लैंप है मेरा, जो कि मैंने पहले इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है सीरीज लैंप बनाते कैसे। आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं सीरीज लैंप बनता कैसे है, ठीक है। इसमें इस तरीके से 100 वाट का बल्ब लगा लेंगे। ये हो गया, इस तरीके से हम फैन रेगुलेटर का दोनों वायर इस वायर में कनेक्ट कर देंगे जो कि हमारा सीरीज वायर है। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर देना है दोनों तार को अलग रख के। उसके बाद हमको इस वाले बल्ब को, इस वाले ट्यूबलेट को हमको मेन बोर्ड में लगा देना है। इस तरीके से लगाने के बाद जब हम ऑन करेंगे इसको, ये देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पे कम ज़्यादा होगा। ये वर्क नहीं कर रहा, ये अब हमारा रेगुलेटर ख़राब है। ठीक है, अब हम दूसरे वाला यूज करके बताएंगे। ये हमने दूसरा वाला फैन रेगुलेटर इस वायर में कनेक्ट कर दिया है। इसको इस तरीके से कनेक्ट करके इस वायर को अलग करके रख लेना है। फिर से हमको सॉकेट में 2 पिन टॉप लगा करके इसको ऑन कर देना है। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरीके से लाइट जल रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। इस तरीके से हमारा फैन रेगुलेटर चेक हो जाएगा, ये हमारा फैन रेगुलेटर वर्क कर रहा है या नहीं। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ये आप 100 वाट बल्ब में ही यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें LED बल्ब लगाएंगे तो ये आपका, आपको पता नहीं चल पाएगा, ये आपका रेगुलेटर चेक नहीं हो पाएगा। जैसे ये देखिए, ये हम लगा के बताते हैं आपको, ये हमने लगा लिया है। इसको आप इसमें इसको कम करने पे वर्क, ये वर्क कर रहा है, जो कि इसमें इसको बराबर वोल्टेज मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें एलईडी लाइट लगा हुआ है। वोल्टेज ना मिलने पे वो ब्लिंक कर रहा है, जितना कम करेंगे ब्लिंक करेगा। जिससे आप इस तरह से ये एलईडी बल्ब में चेक करेंगे तो ये आपका एलईडी ख़राब हो सकता है। इसके लिए आप 100 वाट का बल्ब में ही चेक करें इसको, ठीक है। सीरीज वायर बना करके इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसको यहाँ से डायरेक्ट अगर हम टच करते हैं, ये डायरेक्ट सप्लाई जा रहा है, ये बराबर ऑन हो रहा है। ये हम इसको फुल पे कर देंगे, बराबर जलेगा, कम करने पे ये इस तरीके से ब्लिंक करेगा।